आपके पास अभी कितना फ्लूट है? बस 12 बारह फ्लूट है, अलग अलग स्किल्स। और ये बैग में क्या गिटार है क्या? सीख रहे हैं गिटार। आपको जो सबसे अच्छा लगता है वही सॉन्ग आप बजा के दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं कि अभी आ गए अपने ब्लॉग चैनल पे और आज आपको उस मतलब एक है कलाकार जिनसे हम मिलवाएंगे आप लोगों को और बात भी करवाएंगे। तो वो बहुत ही अच्छा फ्लूट वगैरह बजाते हैं और हमको अभी जो कि अभी यहाँ हम पूर्णिया सिटी कालीबाड़ी चौक पे आए हुए थे और यहाँ घूम रहे थे, तो उस टाइम हमको एक ऐसा जो आदमी मिले जो कि फ्लूट अच्छे से बजा रहे हैं और हमने देखा उनको बहुत देर से बजा रहे, तो मैंने उनका वीडियो 2 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। और आइए आपको हम उनसे मिलवाते हैं और बात करवाते हैं वो कैसे बजाते हैं, कहाँ कहाँ बजाए हुए हैं, कहाँ घर है, क्या नाम है, सब चीज़ें हम आपको बताएँगे और उससे मिलाते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि वो हमारे देख सकते हैं वहाँ वो भैया जी हैं जो कि यही तभी से बजा रहे थे और बजा रहे तो बहुत लोग यहाँ पे वीडियो इनका रिकॉर्ड भी हुआ किया है और अभी शाम के टाइम है, तो अभी चलिए आप तो इनसे मिलाते और बातचीत करवाते हैं। तो आइए, जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स यही वो है जो कि अभी यहाँ मंदिर पे बैठ के वीडियो मतलब मंदिर पे बैठ के थोड़ा अपना ये प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो मैंने इसको देखा तो बोले भैया हम 2 मिनट आपसे कुछ सवाल करेंगे। भैया बोले ठीक है आप कीजिए हम करते हैं ठीक। तो देखिए आपको यही वो भैया हैं, तो भैया मेरा ये ब्लॉग चैनल है आप इस पर हाई कर दीजिए। जी, तो जैसा कि देख सकते हैं यही वो भैया हैं जो कि अभी ये बैठ के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने इसे देखा तो बोले भैया 2 मिनट हमको टाइम दीजिए और आप थोड़ा इसमें वीडियो में कुछ बोल दीजिएगा। तो भैया तो आपका नाम क्या हुआ? विवेक कुमार शाह जी। विवेक कुमार शाह, भैया का नाम विवेक कुमार शाह है। तो आपको हम अभी यहाँ पर देखे तो आप फ्लूट बजा रहे थे, तो आप फ्लूट कब से बजा रहे हैं? तो 2 साल हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 साल से आप फ्लूट बजा रहे थे। हमको फ्लूट आप बजा रहे थे इसीलिए मैंने आपका वीडियो बनाया, हमको बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपका सोचा कि मैंने ब्लॉग वीडियो पे आप लोगों को मतलब कुछ पब्लिक को भी हम दिखाएं आपके आपकी फ्लूट बजा रहे हैं। और आपको आपका नाम हुआ विवेक कुमार शाह, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्णिया सिटी के, पूर्णिया सिटी पास में जी। तो आपका घर आस पास में ही है, तो आप ये कब से सीख रहे हैं? पहले तो मतलब कि जो शहरी वाले लोग आते हैं ना बांसुरी लेके, हाँ, जो घूम के बजते हैं बांसुरी, तो उनको देखे थे बजाते हुए तो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता था देखते कि बहुत अच्छा बजाते थे लेकिन अच्छा नहीं लगता था कि ई लेवल पे बजा रहे हैं, अभी यहाँ बजा रहे हैं, फिर भी आगे तक जा सकते थे, हमसे भी अच्छा बजाते हैं। उन्हीं से हम खरीदे पहली बार, इंटरेस्ट हुआ, बजाए सीखे, अभी यहाँ बजा रहे हैं। तो कब से बजा रहे हैं? 2 साल यही ना? हाँ, 2 साल से आप बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। और आपका घर यहीं पूर्णिया सिटी में, ठीक। तो आप अभी कहीं वगैरह मतलब कुछ होता है कि बहुत जगह बजाया जाता है, बजाया भी है? ऑफ़र मिला लेकिन वो अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि प्रोफेशनल फ्लूटिस्ट तो है नहीं। ऑफ़र मिला लेकिन आप कैंसिल कर दिए? हाँ। कैंसिल करने का वजह? देखिए पहली बात तो प्रोफेशनल है नहीं। प्रोफेशनल है तो आप ट्राई भी तो कर सकते हैं। हाँ, बता रहे हैं तो प्रोफेशनल भी नहीं है जी और प्रोफेशनल फ्लूट भी नहीं है। और ये फ्लूट जो है हम उन्हीं से लिए थे, जितना फ्लूट मेरे पास था, हाँ ये फ्लूट है, ये फ्लूट भी उन्हीं से खरीदे थे 1100। आपके पास अभी कितना फ्लूट है? बस 12 बारह फ्लूट है, अलग अलग स्किल्स। और ये बैग में क्या गिटार है क्या? सीख रहे हैं गिटार। गिटार है तो आप सीख रहे हैं, तो आप पब्लिक को 2 मिनट के लिए आप बजा के दिखा सकते हैं गिटार? हाँ, नहीं नहीं गिटार नहीं है, फ्लूट आप बजा के आपको जो सबसे अच्छा लगता है वही सॉन्ग आप बजा के दिखाइए, एकदम बजाइए थोड़ा, पब्लिक भी देख रही है थोड़ा। भैया वो फ्लूट को बजा रहे हैं और एकदम बजाइए। Thank you.
आप जो गाना बजा रहे थे ये सॉन्ग शायद हम सुन चुके हैं, ये वो एक राधा कृष्णा कुछ सीरियल उसी में तो? दम लगा के ऐसा था, आयुष्मान खाना का मूवी था जी, उसी का मोह के धागे। हाँ मोहम्मो, ये सॉन्ग तो शायद राधा कृष्णा में भी था ना? नहीं उसमें नहीं है, लगता है कुछ कुछ लेकिन वैसा नहीं। और तो ये कौन सा फिल्म का था ये सॉन्ग? दम लगा के हैसा तो देखिए कितना अच्छा लगा। और अभी हम देखे भैया को तो सोचे, बोले भैया हमको 2 मिनट टाइम दीजिए, हम वीडियो जरूर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएं, तो सोचे वीडियो बना के हम पब्लिक लोगों को भी दिखाएं। और ये मेरा ब्लॉग चैनल, आपका कोई चैनल वगैरह भी है? नहीं, इंस्टाग्राम हैंडल है बांसुरी वाला। बांसुरी वाला, तो आप भैया का इंस्टाग्राम आईडी है बांसुरी वाला, तो वहाँ जाके /वाला/00 आईडी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से आप भैया को फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बजाते हैं। और इसका वीडियो देखिए और बहुत अच्छा बजाते हैं और अपने पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं और मतलब बहुत जगह इसको सपोर्ट कीजिए थोड़ा, जो कि आपको इनको बहुत ज़्यादा ऑफर भी आया लेकिन ये अपना कुछ प्रॉब्लम को लेकर वो कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो भैया कर लेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे ज़रूर। और कुछ बोलना चाहते हैं? ये मेरा ब्लॉग चैनल है MR ग्रुप पूर्णिया, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए आने जाने के लिए। और तो भैया को देखिए कि बांसुरी बजा के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ कुछ मतलब लोग हैं जो कि यहाँ वीडियो बना रहे थे इनका, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, तो हम भी बोले भैया हम आपसे 2 मिनट टाइम लेंगे जो कि आप लोग आपका वीडियो बना के हम भी कुछ पब्लिक को दिखाएंगे। आप पूर्णिया जिला से हैं, हम भी पूर्णिया जिला से हैं, और तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद तो देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स दिखा दिए जो कि विवेक कुमार शाह जो कि फ्लूट बजाते हैं और हमारे पूर्णिया जिला के ही हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं, और इनका आईडी है बांसुरी वाला, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इनका आईडी दे देंगे, आप जाके इनको फॉलो कर लीजिएगा और बहुत अच्छा बजाते हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।